में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और दोस्तों आज मैं आपको भंवर कली वाली मोहरी बना के दिखाऊंगा, दो प्रकार बना के दिखाऊंगा। दो प्रकार में इसको जो भंवर कली है दो प्रकार में बना के दिखाऊंगा। और वो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो कि जो नए दोस्त हैं वो सीख सकें और आप भी सीख सको और सिखा सको दोस्तों। मैं वीडियो चालू करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं आपके, ऐसे ही कमेंट प्यार बनाए रखना और पूरी सपोर्ट करना दोस्तों चैनल को। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि दोस्तों वीडियो को लाइक, दोस्तों आज वीडियो का टारगेट रखते हैं दोस्तों 500 लाइक। और देखते हैं दोस्तों आप कितना सपोर्ट करते हो और वीडियो को 500 लाइक करवाते हो कि नहीं करवाते हो। दोस्तों मैं चालू करता हूँ वीडियो। और दोस्तों ये देख सकते हो जब मैंने 5 मीटर रस्सा ले लिया दोस्तों, आपने 4 मीटर ले लेना है, 5 मीटर ले लेना है। जैसे ज़्यादा दोस्तों छोटी है आपकी गाय भैंस तो आपने 5 मीटर 4 मीटर लेना है, और बड़ी है ज़्यादा बड़ी है तो दोस्तों जैसे मुर्रा नस्ल की भैंसें होती हैं वो बड़ी होती हैं, ऊंची तगड़ी और बड़ी बड़ी भैंसें होती हैं, मुंह बड़े होते हैं, उनके लिए 5 मीटर ले लिया। आपने जितना लेना है वो अपने हिसाब से ले सकते हो। तकरीबन जो 5 मीटर 4.5 और 4 मीटर होता है तकरीबन, ये रस्सा का साइज़ होता है दोस्तों। और ये पैराशूट का रस्सा है और 10 mm का रस्सा। और ये भंवर कली है दोस्तों, भंवर कली भी बोलते हैं, भंवर कली भी बोलते हैं इसको। और दोस्तों ये मैंने गांठ लगा ली है, पहले जो सिरा है जो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ मैंने गांठ लगा ली और इसमें भंवर कली है, ये ऐसे डाल लिया, आपने ऐसे डालनी है दोस्तों। ये देख सकते हो जो गोल हिस्सा है ये रस्से के अंदर आएगा, और ये जो चोरस वाला है इसमें एक्स्ट्रा रस्सा डलेगा नीचे, ऐसे जो खूंटे पे बांधते हो। और दोस्तों वीडियो को चालू करता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना, स्किप मत करना कि आपको पता ना लगे, दो प्रकार बनाऊंगा। और दोस्तों मैं वीडियो को चालू करता हूं। और दोस्तों ये देख सकते हो मैं इतना साइज़ ले लेता हूं दोस्तों, मैं बड़ा साइज़ लेके बना के दिखाऊंगा आपको, फुल साइज़ जो बड़ी भैंस के लिए होता है। ये मैंने इतना साइज ले लिया। और दोस्तों ये देख सकते हो मेरा लेफ्ट साइड का आता है, आपके जो गांठ होती है कई बार कई बंदे होते हैं कि गांठ गलत लगाते हैं, वो गांठ गलत नहीं लगेगी अब कभी भी आपसे। और दोस्तों ये देख सकते हो मैंने लेफ्ट साइड का मेरा हाथ है, ये जो रस्सा है जो गांठ वाला ये आगे की तरफ किया हुआ, और ये मैंने इधर घेरा हुआ है, और इसको ऐसे करके इतना ले लिया मैंने साइज़। आप छोटा बड़ा जितना भी बनाना चाहते हो, एडजस्टमेंट बाद में भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो, इतना भी बना सकते हो। जैसे आपके छोटे पशु हैं तो इतना बना सकते हो, ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है तो इतना, और ज़्यादा बड़ा है तो इतना, इससे बड़ा दोस्तों बनता नहीं है, इससे बहुत बड़ा मुँह होता है दोस्तों, ये जो फुल साइज होता है इससे बड़ा नहीं बना सकते और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। और दोस्तों मैं इतना ले लेता हूँ और वीडियो को मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहना। और दोस्तों जो मैंने बोला है आपको 500 लाइक का टारगेट, वो दोस्तों कंप्लीट करवा देना। और दोस्तों ये इतना मैंने साइज़ लिया और रस्सा इधर घेरा मैंने लिया और इतना लिया, और दोस्तों ये आगे की तरफ घेर लिया, लेफ्ट साइड का हाथ है, और यहाँ से मैंने जितना नापा था ये देख सकते हो यहाँ अंगूठे के नीचे दबा लिया। और फिर क्या करना दोस्तों, इसको रस्से को सीधा कर लेना आपने, और फिर क्या करना है आपने, यहाँ से देख सकते हो जो ये रस्सा है मेरा, ये हाथ हो गया, हाथ से आगे जो ये रस्सा है और ये रस्सा है ये वाला यहाँ से निकाल लेना है, जितने अपने साइज लेना है दोस्तों। इसको ज़्यादा नहीं रखना आपने, कम ही रखना है दोस्तों। मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ, गाय भैंस के हिसाब से होता है, जैसे गाय भैंस बड़ी है छोटी है उसके हिसाब से होता है। और ये देख सकते हो मैंने जो एक बिलांद है वो ले लिया दोस्तों, आपने छोटा बड़ा रखना है दोस्तों। ये जो होता है रस्सा गाय भैंस के मुंह के नीचे होता है तो ये निकल जाता है दोस्तों। वीडियो को तभी बोलता हूँ स्किप मत करके देखा करो, पूरी वीडियो को देखा करो। और दोस्तों ये जब बड़ा कर लेते हैं तो गाय भैंस के यहाँ से नीचे से निकल जाता है, भैंस निकाल लेती है मुँह निकाल के, इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है, और इसको बाद में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों ऐसे शेप बन जानी है, बन जाएगी आपकी, ये देख सकते हो ऐसी शेप बनेगी बिल्कुल ऐसी शानदार, ये शेप बन गई है आपकी रस्से की, ये इधर चला गया, ये इधर और ये इधर। फिर क्या करना है आपने, ये अंगूठे के ऊपर से लेके आना है, अंगूठे के ऊपर से लेके आए और ये छोटी उंगली और ये उंगली इसके बीच में दबा लेना है ऐसे, ये देख सकते हो ऐसे दबाया। और फिर ये जो बड़े वाला रस्सा है इसको उठाना है दोस्तों, अंगूठा और उंगली के बीच में दबा लेना है दोस्तों, इनके गांठे से इनको बराबर रखना है ऐसे करके, ऊपर नीचे ना ऐसे ना चढ़े, ऊपर नीचे इसको बराबर रखना है, इधर से भी इधर से भी। और दोस्तों फिर ये जो बड़े वाला रस्सा है इसको ऐसे उठा के इधर कर देना है, और ये देख सकते हो ऐसे गांठ लग जाए, ऐसे कर लेना, फिर इसको ढीला करना अंगूठे वाले को, अंगूठे वाले को ढीला किया, और दोस्तों इसमें से ऐसे करके निकाल दिया आपने। और दोस्तों इसमें भी देख लेना, यहाँ पे भी कई बार ना गलत लगा देते हैं, जैसे ये देख सकते हो मेरा रस्सा ऊपर नीचे हो गया, इसको बराबर रखना है आपने, ये देख सकते हो ऐसे सीधा कर लेना है,
यहाँ से कोई बाल नहीं आएगा इसमें, पूठा सीधा नहीं बनेगा आपका। और ये गांठ होती है जो देखने वाली होती है दोस्तों, ये जब बनाते हैं ऊपर नीचे हो जाता है रस्सा, वो ध्यान रखना आपने, आपका ऊपर नीचे ना हो। ये देख सकते हो दोनों, ये देख सकते हो दोनों सिरे सीधे हैं, यहाँ से सीधा है, इधर भी सीधा है, और ये वाला इधर से है ये भी सीधा है, और ये वाला इधर भी सीधा है। ये देख सकते हो तीनों जो एक दो तीन गांठे हैं इसमें बिल्कुल बराबर है। फिर क्या करना है आपने इसको दोस्तों, ऐसे ये देख सकते हो ये गांठ तो आपके जो गाय भैंस के मुंह के ऊपर रहेगी और ऊपर वाले हिस्से पे जैसे, और ये अंदर की तरफ रहेगी, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे रहेगी और ये बाहर की तरफ। और दोस्तों फिर क्या करना आपने, ऐसे करना आपने, ये देख सकते हो जो ये वाला रस्सा है ये मैंने इधर की तरफ घेर लिया लेफ्ट साइड की तरफ, ये अपने की तरफ कर लिया और गांठ मैंने उल्टी कर लिया। ये देख सकते हो ये उल्टी रखी मैंने गांठ, ये अपने तरफ, ये इधर हो गया लेफ्ट साइड की तरफ, ये अपने तरफ और ये इधर। और फिर क्या करना, जो मुंह के ऊपर आएगा वो हमने रस्सा ले लेना उतना, मैं एक बिलांद ले लेता हूँ, अपने हिसाब से ले लेना आप। और दोस्तों फिर क्या करना आपने, ये देख सकते हो फिर यहाँ से रस्सा जो निकालना है ऐसे निकालना है आपने, ये देख सकते हो। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको क्या किया मैंने, मैंने यहाँ से ये गांठ लगाई ऐसे रखा और दोस्तों इसमें से एक बिलांद लिया। फिर क्या करना है आपने, यहाँ से इतना हो गया और यहाँ से जो लेफ्ट साइड का हाथ है उसी में फिर द्वार से पकड़ लेना आपने लेफ्ट साइड के हाथ में, और फिर क्या करना है आपने इधर लेके आना है ऐसे करके इधर। और जब ये भोर कली है दोस्तों, जिसको भवर कली बोलते हैं, भोर कली बोलते हैं, इसको इधर कर लेना आपने। और दोस्तों आपके जो एरिया है जहाँ से भी आप वीडियो देखोगे दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके आपके वहाँ पे शहर में सिटी में क्या बोलते हैं इसको, भोर कली बोलते हैं, भवर कली बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो बताना मुझे कमेंट करके, मुझे पता लगेगा कि आपने मेरी वीडियो देखी है पूरी वाच की है। और ये दोस्तों मैंने इतना ले लिया, ये देख सकते हो जितना उधर लिया था मैंने उतना ये ले लिया, और ये आपका साइज बनेगा। ये ध्यान रखना आपने उठा सीधा ना हो, ये देख सकते हो रस्सा की शेप ऐसे आया इधर, इधर ऐसे, इधर ऐसे करना है। फिर क्या करना है, ये वाला रस्सा जो इसको इधर लेके आना है आपने, इस उंगली और इस उंगली के बीच में दबा लेना ऐसे, ये देख सकते हो ना सीधी गांठ होगी आपकी यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, ये यहाँ से उठाना है बड़े वाला रस्सा, ये अंगूठा उंगली के बीच में दबा लेना है। फिर क्या करना है, इसको ढीला करना है आपने, ढीला किया और ये जो ढीला किया इसमें से निकाल देना है भोर कली को, भवर कली को जो भी है इसको निकाल देना है इसमें से। और दोस्तों मैंने दोनों जो स्टेप जो दोनों गांठ लगाई है लेफ्ट साइड के हाथ में लगाई है, आपने वीडियो को पूरे देखना, मैं तभी बोलता हूँ बार बार, गलत नहीं होगी। लेफ्ट साइड का हाथ था मेरा और देखा होगा आपने जैसे मैंने बनाया। और ये दोस्तों देख सकते हो ये जो भोर कली वाली मूरी है वो बन के तैयार हो चुकी है ऐसे। और ये आपके जो गाय भैंस के जो सिंग है उसके ऊपर आएगा, ये नाक के ऊपर आएगा और ये नीचे। और दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो को पूरा देखना। मैं जैसे मैंने बताया है कि आपको दो तरह से बना के दिखाऊंगा मैं इसको। अब दोस्तों मैं जो पहला स्टेप है वो चालू करता हूँ, इसमें पहला जो तरह बनेगी जो भवर कली, ये दोस्तों ये मैंने यहाँ से लिया और इसके ऊपर रखा दोस्तों। और यहाँ से आपने क्या करना है, ये देख सकते हो ये गांठे मैंने सीधी कर ली है, ये देख सकते हो ऐसे मेरी मोहरी, ये भवर कली वाली मोहरी बन गई है, ये देख सकते हो। फिर ये जो लेफ्ट साइड का हाथ है इसमें ये रस्सा पकड़ना है और ये भवर कली वाला रस्सा लेना है, ऊपर रख देना है लेफ्ट साइड के रस्से के ऊपर, और फिर उसको राइट साइड के रस्से को नीचे से निकाल के लेके आना है आपने ऐसे, नीचे से निकाला। और देख सकते हो दोस्तों मैंने छोटा रखा था, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, एडजस्टमेंट भी रहती है। फिर इसके बीच में से निकाल देना है, ये देख सकते हो ऐसे नीचे से, दिखा देता हूँ दोबारा से, ये लेफ्ट साइड का रस्सा है जिसमें भवर कली है नहीं, और ये इसमें इसके ऊपर रखा और नीचे से लेके आए, इस रस्से को ऐसे रखना आपने ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से नीचे से लेके आना आपने, ये लेके आए सीधा रखना आपने, और फिर इसमें से डाल देना है ऐसे करके।
ये दोस्तों थोड़ा सा छोटा रस्सा है, मैं इसको एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ आपको, और इसको बराबर जैसे आपने किया था वैसे कर लेना है। ये दोस्तों मैंने ढीला कर लिया, और ये देख सकते हो यहाँ से रस्सा, ये रस्सा खींचता हूँ मैं यहाँ से, ये रस्सा खींचा मैंने ये ऐसे करके, और ये देख सकते हो बराबर हो जाएगा। ये देख सकते हो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब इनको सीधा कर लेना ऐसे करके, जैसे थी पहले गांठे ऐसे सीधा कर लेना, ये बन गई है ऐसे पहले जैसी। और फिर क्या करना है आपने, ऐसे करके जैसे मैंने बताया था आपको ऐसे करना है, और इसमें से निकाल देना है। ये देख सकते हो दोस्तों जो जो पहला जो पहली वाली गांठ है ये लग चुकी है, ये देख सकते हो ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे बन गई है, ये देख सकते हो। अब यहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा रस्सा होगा जो खूंटे पे बांधोगे वो आ जाएगा, ये नीचे बांध सकते हो। और ये आपके गाय भैंस के जो जो गाय भैंस का जो नाक है दोस्तों उस पर आ जाएगा, और ये ऐसे करके सिंगों के ऊपर आ जाएगा, ये साइडों में आ जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो इतनी शानदार मुर्गी पावर कली वाली बन चुकी है। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ जो आपको वो कैसे बनेगी दोस्तों। इसको खोल लेना है फिर द्वार से आपने जैसे लगाई थी, वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। जैसे दोस्तों ये मैंने खोल लिया यहाँ से, और दोस्तों इसको हमने बराबर कर लेना है। ये इसको जैसे हमने फालतू किया था, थोड़ा सा फालतू है दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ से ये इतना फालतू हमारा ये रस्सा इससे, और हमने इसको द्वार से यहाँ से खींच लेना है। ये देख सकते हो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो आप, और फिर देख लेना आपने ये रस्सा कहाँ जाएगा। ये रस्सा दोस्तों ये वाला है, और इसको ऐसे करके ये खींच लेना, ये देखो इधर आ गया, ये देख सकते हो ऐसे बराबर हो गया आपका रस्सा, ये ऐसे बराबर हो जाएगा। और फिर क्या करना है दोस्तों, जो दूसरी जो मैंने बताया था दो दो प्रकार के बना के दिखाऊंगा, फिर आपने क्या करना है, अब इसमें से लेना है आपने जो ये रस्सा में गांठ लगाई हुई इसमें से निकालना है आपने, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब दोस्तों इसमें से थोड़ा सा ढीला कर लेना है इसको, ऐसे कर लिया दोस्तों, जैसे ढीला कर लिया आपने, इसमें से देखना है जो रस्सा इधर से निकलता हो दोस्तों। मान लो ये रस्सा है दोस्तों, ये देख सकते हो ये दो रस्से हैं, ये लेफ्ट साइड की तरफ है, ये राइट की तरफ है। जो राइट वाला है ये निकाल लेना आपने, मेरा ये लेफ्ट सा है और ये राइट है दोस्तों। ये रस्सा भी ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेफ्ट के तरफ हो गया, ये राइट के तरफ। वीडियो दोस्तों लंबी ज़रूर होगी, पर एक बार ही सीख जाओगे तो बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से एक रस्सा निकाल लेना, पहले ढीला कर लेना इसको ऐसे करके, और दोस्तों इसमें जैसे आप निकाल रहे हो वैसे डालना भी है, ध्यान रखना इसको मतलब वो मत करना। और ऐसे करके आपने ये निकाल लिया दोस्तों, एक रस्सा यहाँ से निकाल लिया ऐसे करके, ये देख सकते हो। वैसे ध्यान रखना आपने कैसे निकाला हमने, वैसे ही गांठ लगानी इसमें। मैं आपको तभी बिल्कुल प्यार से दिखा रहा हूँ वीडियो बना के दोस्तों, कि आप गलत ना बनाओ कभी गलत ना। और दोस्तों ये रस्सा निकल गया जो, फिर इसमें से जो भोर कर लिया इसमें से डाल लेना दोस्तों, ये ऐसे करके। ये देख सकते हो ये ऐसे करके, और दोस्तों ये डल गई है। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने निकाला था अब यहाँ से निकाला था ऐसे ही डाल देना आपने इसमें, और ऐसे करके दोस्तों इसमें से फिर नीचे से लेके आना जैसे आपने खोला था, ध्यान रखना है। और दोस्तों एक बार ही बना दोगे फिर सीख जाओगे आप, फिर इसमें से फिर डाल देना वापस। देख सकते हो अभी, देख सकते हो ये बराबर है तो ठीक है, जो आगे पीछे करना चाहते हो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो जैसे मान लो ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है तो इसको खींच के ऐसे करके और यहाँ पे गांठ लगा लेना, ये यहाँ पे गांठ लग जाएगी आपकी।
ये देख सकते हो गांठ लगा ली आपने। फिर क्या करना है आपने, इसको दोस्तों ऐसे करके ये आपका रस्सा आ गया ऐसे, और इसको सीधा कर देना आपने फिर ऐसे करके। ये देख सकते हो दोस्तों ऐसे बन गई आपकी मोहरी, भंवर कली वाली मोहरी दोस्तों, ये देख सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखा और दोस्तों, और वीडियो को पूरा सपोर्ट करना, और दोस्तों पूरी इसको जहाँ जिन दोस्तों को नहीं आती है उनके पास ज़रूर शेयर करना कि वो आज सीख सकें दो प्रकार की और घर पे बना सकें। दोस्तों जो रस्से की बात है दोस्तों, मैंने जैसे बताया था मैंने मेरे पे 5 मीटर रस्सा था, ये फुल रस्सा होता है जो बड़ी गाय भैंस होती है उसके लिए। आप 4 मीटर 4.5 मीटर 5 के आसपास में जो भी जितना भी है आपकी गाय भैंस उस हिसाब से ले सकते हो, और इनकी जो चीज़ें की हैं एडजस्ट जो एडजस्टमेंट है दोस्तों वो कर सकते हो आराम से। जैसे मैंने बताया था आपको, मान लो इसकी करनी है आपको एडजस्टमेंट दोस्तों, इस चीज़ की करनी है आपने, तो इसको वैसे ढीला करा। मान लो आपकी गाय भैंस यहाँ से मुंह निकालती है दोस्तों, वीडियो बड़ी जरूर होती है दोस्तों, पर दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। और दोस्तों यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से खींच लेना आपने, यहाँ से रस्सा खींचा, ये रस्सा खींचा देख सकते हो आगे की तरफ मेरी तरफ आ रही है, और फिर इसको ऐसे करके, और दोस्तों फिर इसको ऐसे कर देना है। ये देख सकते हो दोस्तों ये बड़ा छोटा हो गया है, और फिर आपने इधर से भी ऐसे करना है दोस्तों, ढीला करना है, यहाँ से थोड़ा सा लेना है आपने और इधर की तरफ निकाल देना है। और दोस्तों मान लो इधर से अभी अभी और बड़ा है तो ये आगे पीछे हो जाएगा रस्सा ना, तो इसके लिए आपने क्या करना है यहाँ से भी निकाल सकते हो दोस्तों, एक तरफ दूसरे तरफ से निकाल के यहाँ से निकाला, ये यहाँ से निकाल लिया आपने। और दोस्तों सोखा तरीका आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो इधर बड़ा रस्सा है, जो मान लो इधर रस्सा बड़ा है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये वाला रस्सा इधर वाला रस्सा निकाल लेना है आपने लेफ्ट साइड का, ये राइट का नहीं निकालना, लेफ्ट साइड का ढीला करना है यहाँ से, उसके बराबर कर लेना है। जैसे मैं तकाते आपको यहाँ पर इतना निकाल लिया आपने, ये ढीला किया और ये रस्सा यहाँ आके इधर आ गया दोस्तों ये, और दोस्तों हम इसको अब इधर ही एडजस्ट कर देंगे। ये देख सकते हो ऐसे किया, ये यहाँ से ढीला किया, ये यहाँ से हमने यहाँ से ढीला किया इधर आ गया, और इधर से ढीला किया इधर आ गया, ये इधर बड़ा हो गया, फिर इधर से ढीला किया हमने इधर आ गया, ये देख सकते हो। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर दोस्तों आप एक बार देख लोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों। ये देख सकते हो जैसे मैंने छोटा रस्सा करके दिखा दिया आपको, ये ऐसे करके आपको सीधा करके दिखाता हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देख सकते हो ये छोटी बन गई है, जितना भी बना सकते हो, और ये बांधने के लिए रस्सा ऊपर हो गया दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। और ये भोर कली वाली मुरी दो प्रकार की मैंने बना के दिखा दी। वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और दोस्तों कम से कम आपके लाइक 500 लाइक होने चाहिए वीडियो में दोस्तों, मुझे पता लगेगा आपने मेरी वीडियो को शेयर किया लाइक किया है, और धन्यवाद दोस्तों।